हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। गाइस, जैसा कि आपको पता है डेली रात के 8 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स को लेकर के। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और गाइस, अगर मैं कहूँ आज के बारे में तो देखो ऐसा है कि कल का जो क्लास है, आज डेट है जो 23 है और कल 22 था, तो कल का जो क्लास था वो नेटवर्क इशू के कारण, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि टेक्निकल इशू के कारण जो है वो क्लास मैं कल नहीं ले पाया। मतलब कल लिया था मैंने क्लास, 8 क्लास का जो क्लासेस था वो 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था। 9th में क्या होता कि 15 मिनट तक चला और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया, और 10 वाले में आई थिंक 10 मिनट का क्लास चला उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है गाइस। और आज मैंने बोला था कि 11 बजे मॉर्निंग में जो है वो क्लास लूँगा लाइव, लेकिन फिर से जो प्रॉब्लम है वो अगेन ये जो इशू है वो आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बेसिकली ये जो वीडियो है वो ऑफलाइन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देखिए ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो इट डजेंट मैटर, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो। और आज का जो शाम वाला क्लास है, यानी आप कह सकते हो साइंस का जो क्लास होता है आज के दिन, ठीक है, फॉर क्लास 11th का तो मैथ्स का होता है, बाकी 8, 9, 10 जो है 8 का भी मैथ्स का होता है, 9 और 10 जो है वो साइंस का होता है। तो आज का जो क्लास है वो तो लाइव होगा ही, उसके लिए आप टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, ये जो क्लास है जो मैं मैथ्स का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ये ऑफलाइन है, और हो सकता है कि मैथ्स के अभी जितने भी क्लासेस आएंगे वो शायद ऑफलाइन आएंगे, श्योर नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन आने का, लेकिन अगर कुछ नेटवर्क इशू रहा तो फिर भाई वो तो होगा फिर ऑफलाइन, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आपको अभी करना क्या, इसीलिए मैं कह रहा था गाइस कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करो। 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा हो जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना नेटवर्क इशूज़ के, क्योंकि बीच में क्या होता है कि एक मेडिएटर ऐप यूज़ किया जाता है जिसके कारण वो बार बार कनेक्ट नहीं भी लेता है, तो ये सारे दिक्कतें आती है। 1000 व्यूज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग कोशिश करें कि 1000 व्यूज़ जो है इसको गेन करवा दें इस चैनल के ऊपर, अपने सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर करके, और बोले कि सब लोग जो है इसके ऊपर कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और देखो गाइस, सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं कटता अकाउंट से, और ना ही मेरे अकाउंट में कोई पैसा आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। बस सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक ही मोटिव है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, नेटवर्क अच्छी हो जाएगी, और वीडियो जो है वो रेगुलर आने लगेगा, ठीक है। अभी भी रेगुलर ही है, लेकिन आप बाद में कहो कि जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स रहेंगे, सब्सक्राइबर रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है क्लास में मन भी लगेगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा क्लास, ठीक है। चलिए, तो वैसे आज की मैं बात करूँ तो आज जो है, आज क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 3G हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास की मैं अगर बात करूँ तो 3F हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और आई डोंट थिंक अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो अगर हो तो आप जो है वो बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज एक्सरसाइज 3G की बात करते हैं। गाइज देखो, टोटल अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज 3G में टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें जो क्वेश्चंस हैं, आप कह सकते हो कि क्वेश्चंस टोटल है भाई 10, ठीक है, टोटल 10 ही क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 3H है, इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 3H है, अगर मैं इसकी बात करूं गाइज, तो 3H में क्या है कि 3H में जो है वो MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है MCQ क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि आपने जो भी एक्सरसाइज बनाया है उसको आप मतलब मिला जुला करके एक एक्सरसाइज बना दिया जाता है, जिसको हम लोग 3H कहते हैं। तो ये जो है आप खुद से सॉल्व कर लेना, जो भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वैसे आज एक्सरसाइज 3G की बात कर लेते हैं। 3G में टोटल 10 क्वेश्चंस है, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो आपका होमवर्क क्या क्या है, अगर मैं कहूँ होमवर्क के बारे में, तो आपका होमवर्क 3G भी होगा, 3H भी होगा, ठीक है। और अगर इसमें टेस्ट पेपर कुछ है CC करके, तो वो भी आप बना लोगे, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा, ठीक है, वो एक नए चैप्टर का आएगा, जो कि ठीक इसके बाद है क्यूब एंड क्यूब रूट, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं गाइज, इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो है इवेलुएट करने को कह रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन है भाई 16/81, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ जो 16 होता है वो कितना होगा, बोलोगे 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, क्योंकि 9×9=81 होता है, सो 4/9 इज़ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक है, 4 है 625/625/729, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, आप देखो स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है, या फिर आपको लॉन्ग डिवीज़न अगर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है। वैसे आपको याद होना चाहिए 30 तक का स्क्वायर, तो सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। 625 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 25, ठीक है,
और अगर मैं 7-7-2-9 की मैं बात करूँ तो ये शायद जो होता है वो होता है आई थिंक 27 का या 28 का, नहीं एक सेकेंड देख लेते हैं, 29 का नहीं होगा, ठीक है 27 का हो सकता है, ठीक है 27 का ही होता है, 27 का ही होता है, ठीक है 27 × 27, ठीक है ना, ओके चलिए 27, 28, 29 का 9981 होता है, 28 का नहीं होगा और 30 का भी नहीं होगा, तो 7 8 4 8 4 1, हाँ ठीक है सही है। तो आप कहोगे कि ये 27 का स्क्वायर रूट है गाइस, और आप इससे जब भी वैल्यू निकालोगे तो पाएगा 25/27, सो दिस इज़ योर 25/27 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, अब देखो करना क्या है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता देता हूँ, जिसके कारण क्या होगा आप सारे हर टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक बार 10 देख लेते हैं, 10 क्या बोल रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 की मैं बात करूँ तो देखो 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 98 और इनटू में है स्क्वायर रूट ऑफ 162, ठीक है ना। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, किस तरीके से आप इसको लिखोगे कि ये आराम से बन जाए, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम करो, इन दोनों को ना एक के अंदर लिख लो। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए है और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इनटू बी, ठीक है इस तरीके से ये बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप कि अगर यहाँ पे 98 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 162, ठीक है तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट, ठीक है उसके बाद यहाँ पे 98 है, देखो 98 को कैसे लिखोगे, 98 की मैं अगर बात करूँ तो 98 का मतलब होता है 2 से, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है 49, और आप फिर कहोगे 7 7, ठीक है ना 2 4 8 और 2 9 18 और 7 7 49, तो फिर आप कहोगे कि सर ये तो हो गया 2 × 7 × 7, ठीक है लेकिन 162 देखो, 162 अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो 162 का क्या है, 162 को 2 को अगर 2 से लगाएंगे 2 8 16 और 2 1 फिर 9 9 81 होता है, तो आप कहोगे कि सर 2 × 9 × 9, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि पेयर किसका किसका, एक पेयर, दो पेयर और एक इसका पेयर है, यानी आप कहोगे 2 निकलेगा, 7 निकलेगा और 9 निकलेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 7 9 63 और 63 और 2, ठीक है 63 को अगर आप 2 से गुना करोगे तो 3 2 6 और 6 2 12, यानी 126, सो 126 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो मैंने आपको कह सकते हो कि हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा गाइस, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपने आज शाम वाले वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रेगुलर रहो, ऑन टाइम रहो, आपके जो क्वालिटी एजुकेशन जो आप अभी लॉकडाउन के चलते नहीं कर पा रहे हो, ठीक है अपने कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो वो जो आपका पढ़ाई का लॉस हो रहा है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर कवर कर रहा है, किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा, आपको समझ में भी आया होगा काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं आप गाइज अपने अगले क्लासेस में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।